फॉर इंग्लिश प्रेस 1 हिंदी के लिए 2 दबाएं। कोरोना वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। अब ये आवाज किसकी है? ये आवाज है जसलीन की और वो इस समय मेरे साथ कनेक्टेड है वीडियो इंटरव्यू के लिए। सो हाय जसलीन, सो सबसे पहले तो मैडम एक बार वो अपना ऑडियो सुना दो प्लीज। ओके, एक्चुअली उसके इतने सारे वर्जन हो चुके हैं कि मेरे खुद ही दिमाग में एक खिचड़ी बन चुकी है उसकी, बट आई ट्राई। हाँ, जो भी सुन रहा है अगर वो आंखें बंद करके सुनेगा तो ज्यादा रिलेट कर पाएगा। और इट गोज समथिंग लाइक, कोरोना महामारी से इस वक्त जूझने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगा के रखिए जब आप घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए और अगर साबुन और पानी ना मिले तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। अरे वाह, दिन से जिन देवी की हम आवाज हर फोन कॉल से पहले सुन रहे हैं, वो देवी जी हैं कौन, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, उनके बारे में बताओ पहले। तो मेरा नाम जसलीन भल्ला है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। एंड इससे पहले मैं काफी देर तक एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ और स्पोर्ट्स चैनल्स में मैंने काम किया है, प्रोड्यूसर की तरह, रिपोर्टर की तरह। बट पिछले 10 साल से पूरी तरह आवाज की दुनिया। अच्छा, जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी तो आपको पहले बताया गया था कि ये फोन कॉल्स के पहले आएगा या फिर बस आपको बता दिया गया था कि आपको ये रिकॉर्ड करना है, ये कहीं पर यूज होगा? ये कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, इट्स देयर ऑन एवरी फोन एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी। आपकी तुमने सुनी अपनी आवाज? कॉल लगती नहीं है, पहले तुम्हारा ये पूरा सुनना पड़ता है। तो जब आप किसी को फोन करते हो और आपको खुद की ही आवाज सुनाई देती है तो कैसा लगता है? तो काफी कुछ मिक्स होता है, थोड़ा अजीब जरूर लगता है। मतलब आपकी आवाज आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है तो थोड़ा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लगता है वो। इसके अलावा टू बी वेरी फ्रैंक, कई बार खुद भी इरिटेट हो जाते हो क्योंकि ये प्रेस 1 प्रेस 2 ये भी आप ही बोलते हो क्या? ये भी इसकी भी वॉइस आप ही की है? हाँ, काफी जगह पे। अच्छा, एक बार ये फिर से मुझे बोल कर दिखाना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रेस 1। हाँ, जैसे होता है कि इंग्लिश फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। बहुत बढ़िया।